हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हमारा एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में ये रेगुलर रहेगा और कोशिश की जाएगी ये 10 से 11 के बीच में आपको प्रोवाइड करा दिया जाया करेगा, जिससे क्या कहते हैं सुबह सुबह आपको मिल जाए। और आज की ये पहला दिन था तो काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी वर्क करना था पीपीटी वगैरह पे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि आपको टाइम पे मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्टून की। कार्टून में बेसिकली दिखा, ये पार्टी ओरिएंटेड कार्टून है, दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली एक पार्टी तो है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में है, जो बैक स्टेज पे जो रहता है, जो सिर्फ एक ही बंदा सारे डिसीजंस लेगा, वो राहुल गांधी को दिखाया है। बेसिकली पार्टी जो है वो कलेक्टिव है, काफ़ी लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक दूसरे की सहमति से लिए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कांग्रेस में, बेसिकली आगे तो कांग्रेस का हाथ है, मतलब दिखेगा तो ये कि एक पार्टी का डिसीजन है, लेकिन बेसिकली जो डिसीजन लिया होता है वो सिर्फ एक सोल इंडिविजुअल का होता है, जो कि राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है कि बैक स्टेज पर सिर्फ वही रोते हैं। तो बस एक थोड़ा क्रिटिक है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो एडिटोरियल्स होंगे इसमें डिस्कस करने के लिए, वो जो स्टूडेंट पर्पस के यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। हम सिर्फ वही डिस्कस किया करेंगे, बाकियों को इग्नोर किया करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, उनका डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट हो नहीं जाता है। हाँ, बेसिकली कभी कभी जो नॉलेज के पॉइंट से अगर इम्पोर्टेंट हुए तो वो ज़रूर डिस्कस किया करेंगे हम, भले ही स्टडी के पर्पज़ से ना हो, लेकिन नॉलेज के लिए अगर इम्पोर्टेंट हैं तो वो भी हम इंक्लूड किया करेंगे आने वाले टाइम में। आज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एडिटोरियल है, बेसिकली इसमें ये पॉलिटी का टॉपिक है, इसमें बात की जा रही है वन नेशन वन वोटर आईडी की। काफ़ी अच्छा सजेशन है ये एक तरीके का, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे हमारे जो काफ़ी माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं वो बहुत बुरी हालत की वजह से अपने अपने घर को वापस जा चुके हैं। काफ़ियों का तो ये था कि उनका वो जो वोटर आईडी है, जो जिस स्टेट में वो थे वहीं का उनका वोटर आईडी है, अब वो वापस अपने होम स्टेट में आ गए हैं, तो वहाँ पर अगर इलेक्शन होता है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। और बेसिकली वो इसलिए उन्होंने अपना वोटर आईडी वहाँ स्टेट में कराया क्योंकि वहाँ पे वो कमा रहे थे, तो उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए जो उनके लिए वर्क कर सकें। अब जब होम स्टेट में वो नहीं थे तो वहाँ से उनका क्या मतलब था, लेकिन अभी ये जब होम स्टेट में आ गए हैं, और काफ़ी का तो ये होता है कि जिस स्टेट में वो वर्क कर रहे होते हैं वहाँ का वोटर आईडी बन ही नहीं पाता है, और बेसिकली अब इलेक्शन के टाइम पे वो होम स्टेट तो वापस आते नहीं है अपना, क्योंकि एक दो दिन का प्रोसेस होता है वोट देने का। तो इसको देखते हुए वो काफ़ी दूर दूर हमारे माइग्रेंट्स वर्कर हैं, जैसे बिहार यूपी का अगर बंदा होगा तो वो जाके अगर वर्क कर रहा है तमिलनाडु वगैरह में, तो बेसिकली वो वोट देने के लिए इग्नोर करेगा आना अपने होम स्टेट के, वो आके वोट दे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसी को देखते हुए होता क्या था, बहुत सारे जो वोट्स हैं वो डलते ही नहीं है, मतलब जो हमारा जो प्रोपोर्शन है वोटर प्रोपोर्शन जो है डलने का वो बहुत कम रह जाता है इस सब वजह से। तो उसको देखते हुए एक काफ़ी अच्छा सजेशन है वन नेशन वन वोटर आईडी, क्योंकि अभी रिसेंट में वन नेशन वन राशन का भी स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो इस पर भी वर्क करना चाहिए, जिससे कि क्या कहते हैं जो जो सेंट्रल की या स्टेट की जो उनकी गवर्नमेंट चुन के आए वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी हुई है, जो वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो जो जॉब कर रहे हैं उसकी वजह से रह रहे हैं, या क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जो वहाँ पर रह रहा है जिस स्टेट में, तो वो चाहेगा जिस स्टेट में वो रह रहा है उसकी गवर्नमेंट उसके लिए वर्क करे। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है वन नेशन वन वोटर आईडी। तो अच्छा वो है, सजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें अंदर और क्या क्या चीज़ें बातें की गई हैं राइटर द्वारा, क्या क्या बोला गया है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली अभी रिसेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी सीनियर सिटीजन जो 65 से अबव के हैं उनको पोस्टल बैलेट के लिए अलाउ कर दिया गया है, उन नोवल कोरोना वायरस के एक्सपोजर को देखते हुए, जो काफ़ी रिस्की है वो 65 के अबव लोगों के लिए, तो उनको देखते हुए इनको पोस्टल बैलेट के लिए अलाउ कर दिया गया। अब तक ये जो था वो खाली डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए था पोस्टल बैलेट का ऑप्शन, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे यानी कि 80 साल से ऊपर के थे उनके लिए अवेलेबल था। तो काफ़ी अच्छा कदम है पोस्टल बैलेट का सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 65 से अबव के हैं, क्योंकि ये ना कि सिर्फ इन्फेक्शन कम करेगा, बल्कि एक ऑप्शन, क्योंकि जो फियर है उसमें सीनियर सिटीजन्स के अंदर वो भी काफ़ी कम होगा, वो अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट भी दे पाएंगे।
तो बेटर ऑप्शन है अगर जो सेपरेट बूथ प्रोवाइड किया जाता है तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन ये बताया जा रहा है। अब बेसिकली है क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए तो वर्क कर दिया, लेकिन क्या जो हमारे जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं क्या उनके लिए जो वोटर का जो ऑब्स्टिकल है क्या उसको दूर किया अभी तक? तो बेसिकली अभी तक तो नहीं, लेकिन इस पर वर्क करना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है वो वेलकम किया जाए या कुछ ढूंढा जाए जो कि एक एम्पावर करे दूसरे ग्रुप को भी जो कि एक माइग्रेंट्स वर्कर हैं वोट अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो अब नोवल कोरोना वायरस के इस नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ है, जो हमारे सेंट्रल और स्टेट के माइग्रेंट्स वर्कर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बुरा टाइम उन्होंने देखा है, जो कि अपने लाइवलीहुड की वजह से काफ़ी दूर रह रहे थे और जो जिनको क्या कहते हैं एक पॉलिटिकली पावरलेस एक तरीके से देखा गया, पॉलिटिकली पावरलेस थे क्योंकि उनको अभी तक माइग्रेंट्स को इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं गवर्नमेंट ने, ना उनके लिए कुछ ज़्यादा वो चलाया गया व्हीकल प्रोवाइड किया गया कराया गया, तो उन्हें एक तरीके से वो पॉलिटिकली पावरलेस थे, उन पे ज़्यादा ध्यान पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने दिया ही नहीं। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 है उसके आंकड़े के हिसाब से करीब 13.9 करोड़ जो हैं इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 का है, यानी कि नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स, यानी कि जितनी लेबर फोर्स इंडिया की टोटल है उसका 1/3 39.9 करोड़, यानी कि 13.9 करोड़ ये हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स वर्कर हैं। तो अब क्या है, इकोनॉमिक लाइवलीहुड की वजह से उन्हें बेचारों को जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर वर्क करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, डोमेस्टिक वर्क में जाके करते हैं, ईंट भट्टों में, माइंस में, ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करते हैं, सिक्योरिटीज़ में वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर में दूसरों के खेतों में जा जाके वर्क करते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो झारखंड बिहार यूपी के जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए वर्क करने के लिए पंजाब वगैरह इस तरफ जाते हैं। ये सीजनल वर्कर्स होते हैं एक तरीके से, लेकिन होता क्या है काफ़ी लोग जो हैं जो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं वो वापस ही नहीं आ पाते हैं वोट देने के लिए, और आधे तो इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि ये सीजनल वर्कर होते हैं, तो जिन जो अपना सीज़न है वो पूरा वही करके आएगा, वो बीच में तो आएगा नहीं अपना सीज़न छोड़ के, जब इनका सीज़न ख़त्म होता है जब ज़रूर वापस आ जाते हैं, लेकिन अपना सीज़न छोड़ के कोई भी अपने नेटिव विलेज और टाउन को लिए कोई भी वापस लौट के नहीं आता है। तो अभी खासकर इनमें देखा भी जाता है कि ये जो वर्कर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लो वेज दिए जाते हैं जॉब पे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचती है, कोई भी प्रॉपर लिविंग कंडीशन उनके पास होती नहीं है, कोई भी वेलफेयर स्कीम उनके लिए नहीं होती है, तो ऐसे में उनके लिए जो वोटिंग राइट्स है वो कुछ कारगर इतना साबित हो नहीं पाता है और वो अपना वोटिंग राइट्स एक तरीके से यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही पता नहीं है, लेवलीहुड उनके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब उनका पेट भरेगा तब तो वो कहीं जाके थोड़ा बहुत सोच पाएंगे कि हमें वोट देना है या नहीं, तो पहली जो है वो पहली प्रायोरिटी तो हमेशा पेट पालना ही होती है, तो इस वजह से जब पेट पलेगा तो उसके बाद थोड़ा देखें भी कि वो हमारा वोटिंग राइट्स क्या है, तो थोड़ा वो अवेयर भी हों, तो इस वजह से तो आधे तो अवेयर भी नहीं रहते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो इनको जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं इनको एक फॉरगॉटन वोटर्स बोला गया है, राइटर जो है फॉरगॉटन वोटर्स बोल रहा है क्योंकि ये हैं ये अपना इलेक्शन वाले दिन अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि ये वापस जाएं और वोट कास्ट करें, इसलिए ये फॉरगॉटन वोटर्स हैं। तो और बेसिकली ये भी दिक्कत है कि ये जहाँ पे होम टाउन जिस होम स्टेट में ये रह रहे होते हैं वहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब आइडेंटिटी मिलती नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इनके लिए कुछ खास करती नहीं है जिसमें ये रह रहे होते हैं, जैसे स्टेट में ये जाके अपना काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं वो भी इनको ऐसा ऐसा देखते हैं कि हमारी नौकरी खा रहे हैं, मतलब हमारे जगह पे ये काम करने आ रहे हैं, हमको वर्क मिल नहीं रहा है ये बाहर से आके, तो एक ये भी एक तरीके से डिवाइड क्रिएट कर देता है जो सोसाइटी में, एक तरीके का डिवीज़न भी है एक तरीके का, तो जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी में जो भी है जो जो अपना घर छोड़ के निकलता है वो एक मजबूरी में निकलता है, खुश जब उसे सारी चीज़ें अपने घर पे ही मिल जाएँ फैसिलिटी वगैरह तो क्यों अपना घर छोड़ के निकलेगा, तो बेसिकली मजबूरी में ही अपना घर छोड़ के निकलता है, तो ये चीज़ें लोकल्स को भी समझनी चाहिए कि वहाँ पे क्या पता जहाँ पे ये जिस होम स्टेट से आया है क्या वहाँ पे कंडीशन इतनी नहीं है, और जो जिस होम स्टेट से आ रहा है उसको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो स्टेट्स के लोग हैं वो दूसरी स्टेट में ना जाएँ, उनको वहीं पर प्रोवाइड किया जाए बेसिकली जो भी उनका वर्क है मनरेगा वगैरह के थ्रू, काफ़ी बहुत सारे स्टेट को इसके आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि माइग्रेशन ज़्यादा ना हो फॉर अ वर्कर।
वर्कर जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको वो उनका थोड़ा आंकड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। स्टेट्स को इसके लिए वर्क करना चाहिए कि वो उन्हीं स्टेट्स में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो अब यही है, इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो एनरोल भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। उनका कोई कोई आइडेंटिटी इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि वो एक तरीके का डर भी रहता है उनके अंदर। आधे मतलब रियल फैक्ट है ये कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ पे अपनी वो आइडेंटिटी ही नहीं बताते हैं कि वो कहाँ के हैं। तो एक ये फियर भी है और बहुत सारे उनके इंटरनल फियर्स होते हैं और एक्सटर्नल फियर्स को देखते हुए उनको अपना उनका प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं मिल पाता है कि वहाँ का अपना पता भी नहीं बता पाते हैं तो वो वोटर के लिए तो जब एनरोल कर पाए। तो अभी ये है इलेक्शन कमीशन को इसके लिए क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बेसिकली एक तरीके का अभी तक जो है अगर आंकड़े देखें तो हम प्राइड कर सकते हैं, प्राउड मूवमेंट है कि हमारा जो 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से करीब 67% वोटर्स यानी कि 61.36 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया 2019 के जनरल इलेक्शन में। लेकिन क्या ये जो 1/3 जो थे क्या इलेक्शन कमीशन पे इनको फोकस किया, यानी कि 29.68 करोड़ जो वोट जिन्होंने नहीं दिया क्या इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फोकस किया। तो बेसिकली अगर आंकड़े से ही दिख रहा है कि नहीं किया होगा तभी तो 29.68 करोड़ जो वोट डल सकती थी वो नहीं डल पाई। लेकिन हाँ ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है 67.4% वोट गिरना किसी भी जनरल इलेक्शन के लिए। तो वो प्राइड मूवमेंट भी है लेकिन बेसिक इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 20 करोड़ जो वोटर्स थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं, जो डाल भी सकते थे जिनमें से 10 करोड़ 10% जो था जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता लेकिन बाकी का जो 10% है करीब 20 करोड़ तो वोट डाल सकते थे उनको भी ये मौका मिला ही नहीं ड्यू टू उनको उनके पास वोटर नहीं है या फिर उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वापस अपने घर पे जाएं और होम टाउन में जाके अपने कंस्टिट्यूएंसी में वोट कास्ट करें। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है इंडिया के मॉडल का। तो अभी बात ये की जा रही है कि ये जो वोटर पोर्टेबिलिटी जैसा मॉडल है क्या माइग्रेंट्स वर्कर के लिए बनाया जा सकता है, क्या इससे पहले भी कोई एक सिस्टम है हमारे इंडिया में। तो हाँ सर्विस वोटर्स के लिए पहले दिया जाता क्या अभी भी है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पेस्टल बॉलेट सिस्टम है जिसमें जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो जो ड्यूटी पे लगते हैं उनको अपनी प्रॉक्सी वोट डालने के लिए बेसिकली अलाउ किया जाता है और जो हमारे एनआरआई वगैरह हैं उनको भी प्रॉक्सी वोट के लिए अलाउ किया जाता है। तो अभी बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में बोला भी है कि वो टेस्ट कर रहे हैं आधार लिंक वोटर आईडी बनाया जाए जो कि डिजिटली अपना वोट कास्ट कर सकें। लेकिन ये फ्यूचर में कब जाके हो, डिजिटल है कब जाके ये फंक्शन रियलिटी हो पाए तो उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी बात वही है कि क्या कहते हैं कोविड-19 ने जो गवर्नमेंट हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको थोड़ा मूव तो कर दिया है कि वो थोड़ा अपना रजिस्टर करें माइग्रेंट वर्कर्स का, थोड़ा पूरा एक रजिस्टर रखें, पूरा आंकड़ा रखें कौन कहाँ पे है कहाँ नहीं है उसका पूरा एक वो होना चाहिए। जिस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया है पीडीएस सिस्टम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, इस तरीके का वोटिंग सिस्टम भी एक तरीके से लेके आना चाहिए क्योंकि वोटिंग जो है वो सिर्फ एक सिविक ड्यूटी नहीं है, वो एक सिविक राइट भी है। तो बेसिकली बस वन नेशन वन वोटर आईडी का इसमें एक सजेशन दिया है जो कि एक बैलेट पोर्टेबिलिटी होगा जो कि एम्पावर करेगा जो हमारे फॉरगॉटन माइग्रेंट वर्कर हैं उनको अपना एक जो उनका अधिकार है वोटिंग राइट्स उन उसके बारे में पता चलेगा और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और थॉमस जेफरसन का एक कोट भी है, वी डू नॉट हैव गवर्नमेंट बाय द मेजोरिटी, वी हैव गवर्नमेंट बाय द मेजोरिटी हु पार्टिसिपेट। बेसिकली यही है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजोरिटी के थ्रू नहीं है कि जो मेजोरिटी है, जो गवर्नमेंट बनी है वो मेजोरिटी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए उससे बनती है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है लेकिन दूसरे को पार्टी को वोट दे रहे थे क्या उनके लिए ये गवर्नमेंट नहीं है, नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट सबकी है लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसकी वजह से है, ना कि इसकी वजह से कि मेजोरिटी क्या चाहती थी। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहने से और एक करने से दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जिन्होंने किया है पार्टिसिपेट किया है गवर्नमेंट उसकी वजह से बनी है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो जिन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है उनके लिए भी वर्क करना है,
बेसिकली गवर्नमेंट ऑब्वियस ही बात है पूरे नेशन के लिए होती है, तो यही इंश्योर करता है कि इंडियन वोटर कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इम्पेरेटिव, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इंक्लूसिव मतलब एक तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का उसको यूटिलाइज करने के लिए इंडियन वोटर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस वन नेशन वन वोटर आईडी का काफ़ी अच्छा सजेशन रहा। तो नेक्स्ट हमारा जो हमारा एडिटोरियल है उस पर देखते हैं। ये अभी रिसेंट में हमारे पीएम मोदी ले के न्यू फॉरवर्ड जो पोस्ट थी उस पर गए, तो वहाँ पे राइटर बता रहा है कि उन्होंने तीन मैसेज दिए, एक इंडिया के लिए, एक चाइना के लिए और एक वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो वही है जो पहले है, क्या कहते हैं, शुरू करते हैं कि मतलब न्यू जो ले में है वहाँ पे मोदी मोदी जी ने कुछ बातें कही जिनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहले तो वो सोल्जर जो इंजर्ड हो गए थे गलवान वैली के क्लैश में उनसे मिले, फिर उन्होंने एड्रेस किया ट्रूप्स को जो कि चाइना के जस्ट सामने खड़े हैं, मतलब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। फिर उन्होंने उस चीज़ को भी समझा कि कहाँ कहाँ कितनी प्रिपेयर्डनेस है और क्या क्या हमारी मिलिट्री जो है किस क्या क्या बातें कर रही हैं चाइनास पीपल्स लिबरेशन आर्मी से। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो मैसेज दिया चाइनीज लीडरशिप को वो ये था, द एज ऑफ एक्सपेंशन इज़ ओवर। मोदी जी ने जो बोला, उन्होंने कहा एरा ऑफ एवोल्यूशन और डेवलपमेंट यानी कि विकासवाद का जो एरा है वो आगे डेवलप होगा, इवॉल्व करेगा, लेकिन जो एरा था कॉलोनियल एक्सपेंशन का, विस्तारवाद का, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब उन्होंने सीधे एक मैसेज दिया चाइनीज लीडरशिप को जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स में है काफ़ी ज़्यादा चाइना, तो उनके लिए ये था एरा ऑफ जो उनकी एक्सपेंशन है, जो विस्तार करना चाहते हैं उसका एरा ख़त्म हो चुका है। और बोला उन्होंने कि जिन्होंने क्या कहते हैं जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी हैं ह्यूमैनिटी को, और वो आने वाले टाइम में खुद ही मिट गए हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को दिक्कत दी है। और ये सीधे सीधे बीजिंग के लिए था कि जो वो टेरिटोरियल एग्रेशन दिखा रहे हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज साउथ चाइना सी में, सेंट्रल एशिया में और इंडिया में, इसके खिलाफ ये कभी खुद हुआ करते थे, यानी कि इंपेरियलिज्म के खिलाफ ये कभी खुद बोला करते थे जो इनके पीपल्स रिपब्लिक चाइना के जो लीडर्स थे एक टाइम पे, जो यूके की जो इंपीरियलिज्म पॉलिसी थी फ्रांस की, यूके की, ब्रिटेन की, उस टाइम पे जो शुरुआत के टाइम पे आज़ादी से पहले, तो उसके ये खिलाफ खुद थे। लेकिन आज वही चीज़ें ये खुद कर रहे हैं, एक्सपेंशन के विस्तारवाद पे जा रहे हैं। तो वही चीज़ बोला कि एक टाइम पे ये खुद ही इस चीज़ के अगेंस्ट होते थे और आज इस चीज़ के हैं, तो ये भी याद दिलाया है। और उन्होंने बेसिकली नाम नहीं लिया लेकिन मैसेज सीधा था चाइना के लिए, जिसने चाइना के एम्बेसी ने फिर उसके लिए रिटेलिएट भी किया कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट मूव्स है दिस शुड बी नॉट बी, उन्होंने डिनाई किया कि ये इस तरीके का एक्सपेंशनिस्ट मूव नहीं है, वो उन्हीं की जगह है, तो वो अपना एम्बेसी अपना रिटेलिएट तो करती है। बाकी जो प्रधानमंत्री ने आगे फिर इंडिया का जो ट्रेडिशन रहा है पीस एंड ब्रेवरी उसको दर्शाया कि जहाँ डिप्लोमेटिक ऑप्शन जब ख़त्म हो जाएंगे तब वो जो ऑप्शन लिया जाएगा या वॉर जो भी होगा, यानी कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं मतलब सारे ख़त्म हो चुके होंगे, हम वो तब जाके वो कोई एक्शन लेंगे, यानी कि उससे पहले हम पीस में बिलीव करते हैं फिर उसके बाद हम ब्रेवरी पर जाते हैं। ब्रेवरी में भी हम कोई हमारी मजबूरी नहीं है, बस ये है कि हम पीस को पहले एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हम ब्रेवरी पर जाते हैं, और पीस के लिए हम ये नहीं है कि हम ब्रेव नहीं है। तो बेसिकली वही दिखाया है कि जो जब हमारे सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे, जब कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तो जो भी हमारा एक्शन अगला होगा वो उसकी वजह से होगा कि हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं। तो हम बिलीव भी करते हैं पीस एंड पीस में, लेकिन हम बिलीव भी करते हैं ब्रेवरी में। और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उन्होंने सिग्निफाई किया जो गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है एलएसी के लेके जो स्टैंड है उस पे वो खड़े हुए हैं और फोकस कर रहे हैं अपने नेशनल प्रायोरिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। और लास्ट में उन्होंने सोल्जर्स को एड्रेस किया जो कि सीधे क्लैश में हैं, जो कि सीधे क्लैश में है एलएसी पे, और जिन्होंने अपनी 20 जवान जो शहीद हो गए, यहाँ पे मैंने किल्ड को काट दिया गया है क्योंकि न्यूज़पेपर एडिटोरियल हिंदू में क्या है ये 20 सोल्जर्स वर किल्ड दिखा रहा था, जो कि मेरे को गलत लगा। किल्ड नहीं है, मार्टियर्ड हैं, वो शहीद हुए हैं इंडिया के लिए, अपने देश को बचाते हुए शहीद हुए हैं, तो यहाँ पे किल्ड यूज़ करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने किल्ड को कट किया है, मार्टियर्ड लिखा है।
और जो भी हम अपने एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जिन तीन एस्पेक्ट्स पे बात की गई मोदी मोदी जी द्वारा, तो वो काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है और एक अनस्पोकन मैसेज जो दिया है उसको भी एक अच्छे से स्टडी करना चाहिए, कि ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो साइलेंट मैसेज जो दिया है ऐसे टाइम पे जाके उन्होंने, जो एलएसी पे वो गए, जो कि एक काफ़ी अच्छा टाइम था, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर क्रिएट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला क्रिएट था, और जो हमारे पर्सनल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, जो हमारा लीडर है वही आके फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ता है मोरल, हमारे सोल्जर्स में मोरल डेवलप हुआ, मतलब एक तरीके से इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं कि हमारा लीडर हमसे आगे खड़ा है, इस तरीके की एक सद्भावना आती है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा मूव था, काफ़ी अच्छे टाइम पे और सही वक्त पे ये जो डिसीजन था वहाँ जाना काफ़ी अच्छा था, और जो कि एक इंडिकेट भी करता है जो डिसंगेजमेंट है मिलिट्री टॉक्स में, और जिसकी वजह से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल के आ पा रहा था, तो उसकी वजह से क्या था, थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, तो मोरल डाउन जब हो रहा था उस टाइम पे जाना, तो एक तरीके से बूम कर देता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, कि हमारा जो पीएम है वो हमारे साथ है, जो भी हमारा डिसीजन होगा वो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, एक ये चीज़ है। और उनके जो अभी रिसेंट में क्या था, कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला कि क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसा है, लेकिन जो कि दर्शाता था कि बहुत ज़्यादा ये जान यहाँ फॉरवर्ड लोकेशन पे जाना, ये दर्शाता है कि जो सीरियस कंसर्न है जो कि हम देख रहे हैं वो बस उतना ही नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो पहले समझनी पड़ेंगी, और होप गवर्नमेंट जो है वो नेशन के लिए एक जो क्या हो रहा है क्या नहीं, वो फुल पिक्चर आपने देश के लिए, देश के सामने लेके आए कि क्या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कि प्रिपेयर है या नहीं, और फर्दर क्लेरिफाई भी करे कि पीएम मोदी का जो भी मैसेज है वो क्लेरिफाई भी करे गवर्नमेंट, और किस तरीके से वो प्रिपेयर है किस तरीके से नहीं, ये भी पिक्चर एकदम जो भी हमारे नेशन, जो भी हमारा नेशन मतलब हमारे लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके सामने पूरी क्लियर पिक्चर गवर्नमेंट क्लियर करे इस स्टैंड को लेके। बस यही था, और नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो भी है कोविड-19 को देखते हुए जो अर्जेंसी जो दिखाई जा रही है वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो कहीं हद तक जो राइटर है वो इसके अगेंस्ट में है कि ये चीज़ सही नहीं है, और बेसिकली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा उनके प्रोसेसर होता है पूरा एक मेडिसिन बनाने का, तो अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो इन सब को एक प्रोसेस के थ्रू अगर जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, भले ही धीरे धीरे जाएं, तो यही बात की जा रही है इसमें कि श्योरली हाँ चाहिए वैक्सीन, लेकिन अगर स्लोली चले और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो तो वो ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ क्या, आईसीएमआर के द्वारा जो हमारे बलराम भार्गव हैं उनके द्वारा एक लेटर दिया पब्लिश हुआ, उन्होंने उसमें बोला कि जो भी वैक्सीन है कैसे भी करके 15 अगस्त तक रेडी हो जानी चाहिए, अब बट क्या हुआ, पब्लिक के अंदर रोष पैदा हुआ, देखा कि क्या है, तो उसके लिए उन्होंने फिर क्लेरिफाई किया कि ये जो भी बोला गया है ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो पेंडेमिक की वजह से है उसकी वजह से बोला गया है, और इसमें कोई जो रूल बुक है वैक्सीन डेवलपमेंट की उससे कोई भी डेविएशन नहीं किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वर्क किया जाएगा, लेकिन कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, तो अभी यह है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो साइंटिफिक जो रिगर है, जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली ये चीज़ हो रही है कि इनको इग्नोर किया जा रहा है, जो भी प्रोसेस हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जो रूल बुक प्रोसेसर्स हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, और कैसे भी करके बस जल्दी से जल्दी अपने मेडिकल जो भी या तो कह सकते हैं दबदबा दिखाने के लिए ये किया जा रहा है कि हमने पहले बनाया हमने पहले बनाया, तो इस चीज़ को देखते हुए एक तरीके से जल्दी वैक्सीन बनाई जा रही है, जो जो जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर ट्रायल अच्छे से नहीं होगा तो जो वैक्सीन है क्या पता वो उल्टा ही कुछ और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दे कोविड-19 के जगह पे, उससे ज़्यादा खतरनाक कुछ और वो बना दे, तो वो
वो बेटर नहीं है, उससे बेटर है कि आप टाइम लेके चीज़ों को बनाएं। तो यही किया जा रहा है कि जो जैसे कि रेमेडीज और फेवी पिरावर जो जिस तरीके की दवाइयाँ अभी बनाई, तो उनमें क्या था, उसमें बहुत कम एविडेंस थे उनके सक्सेस के। वो इसीलिए थे क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी बनाया गया और पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और पेशेंट्स को देना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, इतने इफेक्टिव ज़्यादा एविडेंस नहीं दिखाया कि इतने इफेक्टिवली वो वर्क नहीं कर पाई। और वैक्सीन बनाना पूरा एक अलग खेल होता है, ये ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कि उठाया और शुरू कर दिया ये वो। चेक पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला चेक पॉइंट तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो उल्टा बीमार ना करे हेल्दी पर्सन को। दूसरा ये है कि वैक्सीन जो है स्टिम्युलेट करे इम्यून सिस्टम को, कि वो जो है एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करे अच्छे से ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिससे क्या कहते हैं जो भी डिसीज़ है उस पे वो जो एंटीबॉडी है उस पे वर्क कर सके। और यानी कि सीधे सीधे इन सिंपल वर्ड्स कहा जा सकता है इफेक्टिव होनी चाहिए जो भी वैक्सीन है। और तीसरा ये है कि वो जो वैक्सीन जो भी बनाई है अगर यहाँ तक सब सही गया है, यानी कि दो स्टेप्स तक अगर सब सही जा रहा है, तो तीसरा स्टेप ये है कि उनको कम से कम थाउजेंड्स पीपल्स पे ट्राई करना चाहिए, रियल कंडीशन में, रियल वर्ल्ड कंडीशन में कम से कम 1,000 लोगों के ऊपर तो टेस्ट करना चाहिए, तब कहीं जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करना चाहिए। उसके बाद भी क्वालिटी एश्योरेंस रहना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर मेडिसिन बन गई उसके बाद क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो फिर वैक्सीन का फ़ायदा क्या बनने का। तो इसलिए अगर बन भी गई है तो उसके बाद भी क्वालिटी पे उसका पूरा वर्क पूरा फोकस होना चाहिए। अभी हैदराबाद की जो हमारी भारत बायोटेक कंपनी थी जिन्होंने कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन प्रोड्यूस करी है, जो कि प्रोड्यूस करी है डेड स्ट्रेन, यानी कि जो सार्स-कोव-2 है, जो हमारा ये वायरस है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसके वर्क किया जा रहा था सार्स-कोव-2 पे, तो उसका जो डेड स्ट्रेन था उसके थ्रू बनाई गई है कोवैक्सीन। तो अभी ये है कि इस तरह की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन्स, यानी कि ग्लोबली अगर देखी जाए 100 के करीब से ज़्यादा वैक्सीन्स पे वर्क किया जा रहा है, और जो कहीं भी और पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इतनी जल्दी वैक्सीन बन नहीं सकती है, कम से कम 1-1.5 साल तो टाइम लेगी ही वैक्सीन बनने में, अगर सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से एनालिसिस किया जाता है और अच्छे से सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं उसके बेसिस पे, सब तब भी कम से कम 1.5-2 साल का तो टाइम लिया जाएगा, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। बट फिर भी पता नहीं क्यों ICMR ने इस तरीके के टाइम में, क्यों इस तरीके के हमारे जो रिसर्च में इसमें क्यों इतना ज़्यादा कट किया जा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हरी में है, जबकि साइंस इज़ नॉट अ प्रोग्रेस इन हरी, मतलब साइंस पे हरी में तो कभी वर्क किया ही नहीं जाता है। साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस बेस्ड थॉट्स, यानी कि साइंस जो है खुद एक एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के बेसिस पे कंप्लीट होती हैं साइंस थ्योरीज। तो उस टाइम में भी और पेंडेमिक के टाइम पे ICMR क्यों इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, तो इस पे भी क्वेश्चन किया है राइटर ने, और बोला है कि बिसाइड जो है क्या कहते हैं इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी तो वैसे ही आ रखी है, और ज़्यादा ICMR इस तरीके की हरकतें करेगा तो वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, जो कि डेली के डेली जो इस COVID-19 के वजह से जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डेली के डेली लाइट में आते हैं, कि अब के बेसिकली होता है क्या है, जो हमारा वायरस है वो म्यूटनाइजेशन होता है, म्यूटनाइजेशन मतलब कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, तो डेली के डेली उसमें थोड़ा सा बहुत कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो ऐसे टाइम में भी उस सब को इग्नोर करके ICMR क्यों इतनी जल्दबाजी में है कि 15 अगस्त तक उसको मेडिसिन ही चाहिए। 15 अगस्त पता नहीं क्यों आज़ादी का इतना ज़्यादा इस तरीके का क्या सेलिब्रेशन करना कि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ एक ला दी जाए कि मेडिसिन हमने 15 अगस्त तक बना ली, तो ये कहीं भी कोई वो नहीं है। जबकि जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इस सब के फ्लक्स के बाद भी एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ भले ही स्लो हो लेकिन श्योरली होनी चाहिए, कि आप भी खुद श्योर हो जाओ जब जो भी मेडिसिन बनाई है उस पे जब श्योर हो जाओ, भले ही वो स्लो प्रोसेस हो लेकिन तभी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ICMR और जो भी हमारे ग्लोबली जो भी वैक्सीन बनाने में लगे हैं उनको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो बस यही सब था आज के डिस्कशन में।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके आप स्टडी विद VC को सर्च कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा और PDF भी मिलेगी, और आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, जो भी वीडियोज़ वगैरह का नोटिफिकेशन होगा वो वहाँ पर आपको ईजिली बहुत आराम से मिल जाया करेगा। तो बेसिकली थैंक यू, और अपना जो भी है एक बार इस आराम से आप न्यूज़पेपर भी उठा के रिवाइज़ करेंगे तो अभी सुनने के बाद क्या होता है, फिर जो पढ़ने में फिर और ज़्यादा मज़ा आता है और चीज़ें जल्दी जल्दी रिकॉल होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भी कि एक बार पहले आप एक हिंदू एनालिसिस वगैरह को एक बार देख लें, फिर उसके बाद खुद ही प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दोबारा से पढ़ने से क्या है, जो हमारी मेमोरी में चीज़ें लॉक हो जाती हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं। तो बस यही था आज का हमारा डिस्कशन, होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।